आनी उपमंडल के निर्मण मुख्यालय में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा हिम इरा प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार की गई उत्पादों एवं सामान को प्रदर्शित किया गया, ताकि महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ते हुए सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस दौरान ये भी बताया गया कि स्थानीय उत्पाद इस कोरोना काल में कितने लाभदायक एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर हैं। इस प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन आनी के विधायक किशोरी लाल ने किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से साप्ताहिक हिम इरा प्रदर्शनी एवं मेलों का आयोजन कर आम महिलाओं को अपने उत्पादों को बेचने के लिए मंडी दिलाने का प्रयास है। सहायक आयुक्त निर्मंड प्रिया नागटा ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक पहल हुई है। हिम इरा प्रदर्शनी एवं मेला लगाकर महिलाएं जो अपने ग्रामीण स्तर पर उत्पाद तैयार करते हैं उनको मार्केटिंग की ओर ले जाना है, उन्हें मंडी से अवगत कराते हुए आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि समूचे क्षेत्र की 26 स्वयं सहायता समूहों ने इस प्रदर्शनी एवं मेले में हिस्सा लिया। खंड में भी इसका एक एग्जीबिशन रखा है। ये पहली बारी हो रहा है यहाँ पे और 26 स्वयं सहायता समूह के ग्रुप्स की लेडीज ने इसमें अपने अपने द्वारा निर्मित पदार्थ और उत्पाद लाए हैं और हमारी निर्मंड के जनता से और आप सबसे यही अपील है कि आप आगे आएं और इनको सपोर्ट करें और कि ये हम आगे भी ऐसे ही एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते रहें और ये जो हिम इरा शॉप है इसको एक साप्ताहिक वीकली शेड्यूल में ऑर्गेनाइज करें। धन्यवाद। स्वयं सहायता समूह नई दिशाएं की रीना भारद्वाज ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हिम इरा मेले का आयोजन किया गया है। इसमें स्वयं सहायता समूह नई दिशाएं की महिलाओं ने लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देते हुए अपना स्थानीय सामान तैयार किया है, आगे इस तरह बढ़ने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये सरकार का सराहनीय प्रयास है। हम लोकल प्रोडक्ट लाकर प्रदर्शनी में बिक्री कर रहे हैं ताकि इस तरह से स्थानीय महिलाओं को मंडी मिल सके। इसके अलावा गोबर का धूप बनाकर बिक्री किया जा रहा है जिससे वातावरण शुद्ध होता है। जो है स्वयं सहायता समूह नई दिशाएं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो है ये हिम इरा ये वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया है। इसके लिए हम जो है अपनी वीडियो मैडम एलएसयू मैम का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए जो है ये अवसर दिया है महिलाओं को। हम लोगों ने जो है अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को यहाँ पे पेश किया है, जैसे ये हमने माँ की बड़िया बनाई है लोकल, ये धूप बनाया है हमने, ये धूप जो है गोबर का बना हुआ है, ये वातावरण को शुद्ध करता है और इसमें जो है घी, जैसे प्राचीन काल में बोला जाता था कि घी घी से जो है हमारा इन्वायरमेंट जो है पोल्यूशन जो है इन्वायरमेंट साफ होता है इसे। और हम लोगों ने जो है मास्क बनाए हैं और अपनी नेटिंग को जो हमारा जो आर्ट होता है महिलाओं का एक वो सामने आया है इससे और लोकल चीज़ों को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, इसके लिए जो है हम धन्यवाद करते हैं। महिला समाज शिक्षा आयोजिका सुरेंद्र कौर ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह गठित किए जा रहे हैं। समूहों की महिलाएं हिम इरा मार्केट के माध्यम से उनके द्वारा तैयार किए गए सामान को बेचा जा रहा है। इस सबका उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उन्हें मोटिवेट करना है, उनके अंदर की प्रतिभा को निखारना है ताकि उनकी क्षमता को बढ़ाते हुए आगे बढ़ सके और उसके साथ साथ इस तरह के मेलों में आपस में एक दूसरे को देख आगे बढ़ने की सीख लें। उन द्वारा जो है जो सामान बनाया गया है उसको मार्केटिंग करने के लिए और महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए और उनके अंदर जो है अपने काम को उजागर करने की क्षमता के लिए जो है हमने एक कोशिश की है इस मेरा शॉप को लगाने की। और हमारे विभाग द्वारा इसके लिए एक टारगेट भी दिया गया है कि ये जो शॉप्स हैं वो वीकली लगाई जाएं, तो हमारा कोशिश रहेगी कि हम जो है हर सप्ताह विकासखंड निर्मंड के विभिन्न जगहों पर ऐसे ऐसे ये शॉप्स का आयोजन करें। विधायक किशोरी लाल ने बताया कि आनी उपमंडल के निर्मंड खंड मुख्यालय में 26 सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
सपना है कि लोकल फॉर वोकल उस दिशा में आगे बढ़ते हुए महिलाओं को प्रेरित किया जा रहा है ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त होकर स्वरोजगार को बढ़ावा दे सकें। कि मेरे निर्मल ब्लॉक में जो 26 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम द्वारा जो यहाँ पर सफल कार्यक्रम किया गया है और उसमें विशेष रूप से जो आनी विधानसभा क्षेत्र जब मैं बात करूँ, आज यदि पूरे हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूँ तो दूध के मामले में हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन हमारे आनी विधानसभा क्षेत्र में होता है। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में जैसे हैंडलूम है या दूसरा जो हम खुद जो है तैयार करते हैं, जितने भी चीज़ें तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो बाहर से ये खाने पीने की आइटम आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा आजकल बीमारी आ रही है। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में हम क्षेत्र में किसान मेला का आयोजन करेंगे और जगह जगह अवेयरनेस देंगे ताकि आने वाले समय में हमारे इस निर्मल ब्लॉक में जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है या एनजीओ है या दूसरे जो हमारे महिला मंडल है, युवक मंडल है, जो भी कुछ हो सके, हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का एक सपना है कि हमने अपनी जो सेल्फ मेड चीज़ों को किस ढंग से हमने लोगों को एक प्रदर्शनी के रूप में उसको व्यवहार में स्वयं उसको लाना है।